ये तो अब तक हो गया ना। हाँ। और कौन सी है? खत्म हो गई है प्रणय जी की कथा। ये तो अब हुई है। बुआ से नहीं मिली रही, मिली रही मिली धनतेरस नहीं मिले रही। अब कौन सी? इसमें नहीं है, उस पुरानी वाली में होगी। दो एक कथार के एक पुत्री और सात पुत्र थे। करवा चौथ के दिन साहूकार की पत्नी, बेटी और बहुओं ने व्रत रखा। रात्रि को साहूकार के पुत्र भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहू से भोजन करने के लिए कहा। वह बहन बोली, भाई अभी चंद्रमा नहीं निकला है, उसके निकलने पर मैं अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। इस पर भाइयों ने नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए बहन से कहा, बहन चंद्रमा निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन कर लो। बहन अपनी भाभियों को भी बुला लाई कि तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे लो, किंतु मैं अपने पतियों के साथ पत्नियों की करतूते जानती थी। अच्छा, पतियों की करतूते जानती थी। उन्होंने कहा, भाई जी अभी चंद्रमा नहीं निकला है, तुम्हें भाई चालाकी करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। किंतु बहन ने भाभियों की बात पर ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग होने से गणेश जी उससे रुष्ट हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की पुत्री को जब अपने दोष का पता लगा तो वह पश्चाताप से भर उठी। गणेश जी से क्षमा प्रार्थना करने के बाद उसने पुनः विधि विधान से चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर सत्कार करते हुए सबसे आशीर्वाद लेने में ही उसने मन को लगा लिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति साहित कर्म को देख गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसके पति को जीवन दान दे दिया, उससे बीमारी से मुक्त करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट से रहित श्रद्धा भक्ति पूर्वक चतुर्थी का व्रत करेगा, वह व्रत सबका सब प्रकार से सुखी होते हुए संकट कंटकों से मुक्त हो जाएगा। तो किसी नगर में अपने पुत्र और पुत्र वधु के साथ एक नेत्रहीन बुढ़िया रहती थी। वहाँ श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से नित्य ही गणेश जी की पूजा अर्चना करती थी। एक दिन प्रसन्न होकर गणेश भगवान जी प्रकट हुए और बोले, बुढ़िया माँ तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, कैसे और क्या मांगूं? मुझे तो मांगना आता ही नहीं है। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग लेना, मैं कल फिर आऊंगा। बुढ़िया ने अपने बेटे से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले। बहू बोली कि पोता मांग लो। तुम बुढ़िया ने सोचा कि ये दोनों तो अपने अपने मतलब की बातें कह रहे हैं, अतः बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा। पड़ोसियों ने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े ही दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों तू पोता मांगे? तू तो अब आंखें मांग ले जिससे तेरा बाकी जीवन आराम से कट जाएगा। लेकिन उस बुढ़िया ने पड़ोसियों की बात नहीं मानी। उसने सोचा कि जिससे बहू बेटा राजी हो वह मांग लो और अपने मतलब की चीज भी मांग लो। अगले दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माँ जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, नौकरी काया दे, आंखों की रोशनी दे, पोता दे, सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो हमें ठग लिया, किंतु तेरा वर तुझे मिलेगा, परास्तु। इतना कहकर गणेश जी अंत धारण हो गए। बुढ़िया को वर के अनुसार सब कुछ मिल गया। हे सिद्धि विनायक गणेश जी, जैसे तुमने उस बुढ़िया को सब कुछ दिया वैसे ही हमें भी देना, देने की कृपा करना। बोलो गणपति।